सामना करेंगे हेमंत जी बोल का काशीनगर की ओर से। बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया। कोई रन नहीं, वन डाउन जीरो। बिना किसी स्कोर के एक खिलाड़ी आउट हो चुका है मालपुरा टीम का। हो गया, रन का कोई मौका नहीं दिया दोनों बल्लेबाजों को। एक बार फिर अपनी ओवर वाली जगह के लिए दोस्तों, आज काफी दिनों के बाद लाइव प्रसारण में पधारे हैं हमारे मजीद भाई साहब दुबई से, बीपीटी ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर मजीद भाई साहब का हार्दिक स्वागत है इस लाइव प्रसारण के माध्यम से। राणा सर के अंदर जो नाइट टूर्नामेंट हुआ था उसमें चैंपियन बनी थी मजीद भाई साहब की टीम, बहुत बहुत बधाई और हार्दिक स्वागत है भाई साहब। काफी दिनों के बाद आज आप लाइव पधारे उसके लिए बहुत बहुत आभार आपको, और आशा है हमेशा साथ बने रहेंगे हमारे। धन्यवाद मिस्टर मजीद भाई दुबई बीपीटी ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर साहब। सामना करने के लिए अदनान अदनान शमी, लेफ्ट हैंडर खंभूलेबाज अदनान। धन्यवाद भाई साहब। सामना करने के लिए तैयार है प्रकाश सिंह का, एक विकेट के नुकसान पर शून्य रन है। कुछ अजीब लग रहा है बोलते हुए भी एक बार फिर बहुत शानदार गेंदबाजी धन्यवाद रमेश जी बाबू भाई साहब कमेंट्स के जवाब दे रहे हैं। मैं कमेंट जल्दबाजी में पढ़ नहीं पा रहा हूं इसलिए ये दिक्कत आ रही है। और एक रन के लिए रोहित ने अपना अकाउंट शुरू किया। धन्यवाद राम किशोर जी सारण भाई साहब आपको भी। धन्यवाद रमेश जी बाबू भाई साहब, अब आपके सवालों के जवाब देने के लिए जिम्मा संभाल लिया है मिस्टर रमेश जी बाबू ने। अब आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, आपका जो भी क्वेश्चन है इस टूर्नामेंट से संबंधित, इस ग्राउंड से संबंधित, लाइव से संबंधित, कोई भी प्रश्न हो आगे होने वाले मैचों से संबंधित, जरूर आप रमेश जी बाबू से बात करें। मालपुरा टीम का स्कोर आगे बढ़ा हुआ, मालपुरा टीम का 8 रन। डबल लक्के डाल ले,
मनी साइज हो चुकी है टॉप मारपुरा की टीम बाकी अपने ओवर वाले जगह से धन्यवाद मिस्टर किरण जी पांचाल रन आउट का मौका मगर सुरक्षित क्रीज में जी हाँ, आप रमेश जी से सारे सवालों के जवाब ले सकते हैं क्योंकि मुझे भी वही जवाब पता है जो रमेश जी बताते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप रमेश जी से कांटेक्ट करें। इस बार गेंद हवा में और ये लीजिए पहला छक्का सीधा बोर्ड पे जाके लगा होर्डिंग बोर्ड पर। जी हाँ दोस्तों, अब आपके कमेंट्स के जवाब देने के लिए एक्सपर्ट बैठ चुके हैं, एक्सपर्ट मिस्टर रमेश जी बाबू। टूर्नामेंट से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछो, आपका जवाब आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। अरे हेमू भाई कोई बात नहीं, कोई और दोस्तों इसी बीच एक और बड़ी घोषणा आई है मिस्टर राजेंद्र जी खेरिया भाई साहब की तरफ से। यदि कोई भी बल्लेबाज कंटिन्यू 5 छक्के या 6 चौके लगाता है, जी हाँ वापस सुने, 5 छक्के या 6 चौके तो वो 1100 रुपए का हकदार हो जाएगा। पैसा अब राजेंद्र जी खेरिया की तरफ से आप सबसे निवेदन है कि आप बधाई संदेश जरूर दें राजेंद्र जी भाई साहब को और बल्लेबाजों के लिए सुनहरा मौका। कंटिन्यू 5 छक्के या 6 चौके लगाओ और 1100 रुपए का इनाम पाओ। शानदार फील्डिंग मगर थ्रो में थोड़ी कमी। दोस्तों आप सबसे निवेदन है रमेश जी भाई साहब को आप धन्यवाद जरूर देते रहे रमेश जी बाबू भाई साहब को। अब आपके हर सवाल के जवाब तुरंत मिल जाएंगे आपको, जिस प्रकार गूगल पे मिलते हैं उसी प्रकार रमेश जी बाबू और गूगल बाबा। अज्ञान एक छक्का लग चुकी है, एक छक्का कोई चौका लगाया रोहित ने। अज्ञान के लिए प्रकाश और ये लीजिए एक और शानदार छक्का आया इस बार अज्ञान के बल्ले से। साथी खिलाड़ी नाराज होते हैं प्रकाश की इस गेंद को छक्के के लिए मार दिया
28 रन अभियान की बदले से निकलने वाला ये दूसरा चक्का है। प्रकाश ये लीजिए, एक और हवाई हमला हुआ है और ये गेंद भी लैंड होगी मैदान के बाहर। एक और शानदार लंबा छक्का। इस ओवर में अच्छी खासी खबर ले रही है। अब साइड चेंज किए है प्रकाश ने, राउंड का स्टिक से गेंद डालेंगे अरमान के लिए। एक और हवाई हमला और इस बार तो जादुई कैच। वाह भाई वाह, जादुई कैच, छक्के को आउट में तब्दील किया। कमाल का कैच, जंप लगाया, पहले छक्का रोका, फिर एक बार ड्रॉप होने के बाद दूसरे प्रयास में ये कैच लपका। तो अरमान की पारी का खात्मा हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अरमान 3 छक्कों की मदद से 20 रन बनाकर आउट हुए। और दोस्तों यदि कोई भी बल्लेबाज इस होर्डिंग पे अगर छक्का लगाता है तो 200 रुपए का पुरस्कार है। इस बार खूबसूरत शॉट ऑफसाइड की तरफ, मगर अच्छी फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग, अपनी टीम के लिए निश्चित 4 रन का बचाव किया। टोंक और कोटा के बीच खेला जा रहा है मुकाबला। टोंक टीम बल्लेबाजी कर रही है, बहुत ही शानदार गेंद, रन आउट का मौका है और ये लीजिए डायरेक्ट हिट और एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा। मगर सुरक्षित क्रीज में एम्पायर ने अपना निर्णय सुनाया। पैंतीस रन हो चुका स्कोर। इस निर्णय को लेकर काफी नाखुश है कोटा की टीम। थर्ड एम्पायर का सहारा लेने का प्रयास किया जा रहा है। इस निर्णय को लेकर अभी भी असमंजस चल रहा है और
रमेश जी बामू अंदर आ रहे हैं, शायद थर्ड एम्पायर के पास इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। चौथा ओवर चल रहा है, 35 रन हो चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर टीम टोंक के, और ये निर्णय अब ट्रांसफर किया है थर्ड एम्पायर के पास। तो एम्पायर का रेफरी ने जो चोटी ली थी उसमें कोटा की टीम सफल रही, तो रन आउट होना पड़ेगा। तो आखिरकार तीसरी आंख ने यह फैसला सुनाया, जी हाँ थर्ड एम्पायर ने फैसला सुनाया कि आउट करार दिया गया है। अर्शद आए हैं बल्लेबाज, लड़के 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर 34 रन। शार बहुत ही शानदार शॉट, मगर फील्डर वहां पे तैनात है। चार ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन, पिछला रन वापस कैंसिल कर दिया है। भाई साहब रिव्यू अपन नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ आयोजन समिति के पास ही फैसिलिटी है, आयोजन समिति ही देख सकती है। लैपटॉप कनेक्टेड है कैमरा, लैपटॉप पर ही देखा जा सकता है। जी हाँ भाई साहब, सिर्फ आयोजन समिति ही रिव्यू देख सकती है, बाकी सभी दर्शकों के लिए सुविधा फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लैपटॉप कनेक्टेड सिस्टम है, तो सिर्फ जिनके रजिस्टर्ड नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल है, उसी पे दिखाया जा सकता है। कोई बात नहीं, फिर भी एक अच्छा निर्णय आया, फैसिलिटी का पूरा फायदा उठाया, वरना अंपायर से छोटी सी चूक हुई थी उससे सुधार लिया गया है, होता है इंटरनेशनल मैच में भी ऐसा होता है। अशोक और सामना करने के लिए अर्शद अब्दुल अशोक पहला 5 ओवर शुरू हो रहा है। अर्शद के लिए
हो गया। और इस बार एक कैच ड्रॉप हुआ है, एक और मौका बना था मगर कोटा के फील्डर से एक बड़ी चूक हुई, कैच ड्रॉप। कोटा और टोंक के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, कोटा की टीम फील्डिंग कर रही है, टोंक की टीम बैटिंग कर रही है। इमरान भाई साहब, मैं आपको बता दूं आज मैच एक साइड से खिलाने का मुख्य कारण है टोंक टीम के ट्रेन है रात्रि में, तो उसे जल्दी निकलना है। ओहो, इसी बीच एक अल्टी पल्टी रिवर्स स्वीप में शानदार छक्का, कमाल की बल्लेबाजी। इस बार दिशाहीन गेंद से वाइड करार दिया, कोई नहीं चीना बढ़िया। इस अतिरिक्त रन की सहायता से अब मालपुरा टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 42-903। बोरावड में हो रहा भाई साहब ये मैच, और इस गेम को रोहित की गलती से निकाला, एक रन रोहित ने पूरा किया, रोहित ने 43 रन। अब आवश्यक पारी का पांचवा ओवर चलता हुआ, 3 विकेट नुकसान पर। अरे इधर हो जा जिगर। इमरान भाई, आज थोड़ी समय की नजाकत को देखते हुए एक साइड से खिलाया जा रहा है, क्योंकि टोंक टीम सॉरी कोटा टीम के ट्रेन है 3 बजे, तो उन्हें 3 बजे यहां से निकलना है और उन्हें छोड़ना पड़ेगा मकराना तक, इसीलिए ये मैच एक साइड से खिलाया जा रहा है।5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 9 रन, 1 विकेट और हो जाता है, यूं कमर टूट गई थी शायद, 10 रन आए, 5 ओवर का मुकाबला शाम 7:30 बजे से। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच कल महामुकाबले की घोषणा हो चुकी है, जायल वर्सेज महामुसीबत, राकेश जी बांगड़ा, राकेश जी ढाका और राकेश जी प्रजापत के नेतृत्व में शानदार गेंदबाजी। अरे प्रकाश नीचे हो गया यार, प्रकाश
कि दो बोल के बोलने के लिए चार मिले, इस चुप की सहायता से अब इसको आगे बढ़ता हुआ अड़तालीस रन, अड़तालीस रन रोहित को ये एडवर्टाइजमेंट जरूर देखें आप। क्लासिक ग्लास हाउस चुंगी चौकी सुभाष कॉलोनी कुचामन सिटी रोड डीडवाना में अयूब भाई और आदिल भाई की तरफ से संचालित। एम्बर कीपर चेंज है रिवर स्वीप खेलने का प्रयास मगर कोई सफलता नहीं। नीचे डाल ले नीचे लड़के टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण मिरानी फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव चैनल पर अनुमानी करवा। शाबाश लड़के, काफी बड़े बड़े इनाम है जो क्लासिक क्लास है सीमा बेटा बच गया जरा सा जो क्लासिक क्लास है लिखा हुआ है इस बैनर पर अगर कोई बल्लेबाज छक्का लगाता है तो हर छक्के पर सूर्य का नाम है। अयूब कुमार साहब आपकी ओर से लगातार जिगर में कह रहा हूँ तेरे से और ये इस बार मिस फील्डिंग का चौका मिला इसके साथ टीम की 50 पूरी हुई। और छह ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन हो चुका स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर टीम टोंक पैंथर्स का अब आधा सफर और तय करना है। अर्षद खेल रहे हैं 10 रनों पर और रोहित सैनी 20 रनों पर। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, फील्डर वहां पे तैनात है, एक ही रन मिलेगा। चलने देना ये आज की रात्रि का तीसरा बॉलिंग मुकाबला किया जा रहा है।
अशोक। ये कोहली कोहली बढ़िया टीम है। एम्पायर अभी साहब ने इसे वाइड डाल दिया। बोल बढ़िया दी चिकन क्रिकेट की रिपोर्ट। और दोस्तों इसी बीच एक छोटा सा गिफ्ट हमारी लाडली बिटिया माही के लिए भेजा है मिस्टर इमरान अब्बान मावा ने। 51 रुपए का एक छोटा सा तोहफा। हमारी लाडली बिटिया माही का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर खूबसूरत गिफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर इमरान अब्बान मावा भाई को। ये लीजिए एक और सफलता, एक और सफलता आई कोटे के कोटा के खाते में। धन्यवाद आप सभी को बिटिया को आशीर्वाद देने के लिए। पार्टी का सातवां ओवर डाला जा रहा है। शुक्र को सफलता मिली। किसके नाम फील्डर का केसरी और फील्डर का नाम बदल देना भाई। मुकेश क्या मुकेश नीतीश बल्लेबाज क्या नाम है अमित। और दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी घोषणा जो हो रखी है वो राजेंद्र जी खेरिया भाई साहब की तरफ से हो रखी है। यदि सीकर की टीम चैंपियन बनती है इस टूर्नामेंट में तो 1+ मोबाइल गिफ्ट किया जाएगा मिस्टर राजेंद्र जी खेरिया भाई साहब की तरफ से। और हर मैच के लाइव प्रसारण, जो भी नाइट टूर्नामेंट का मैच कहीं पर भी लाइव दिखाओ, उसके लिए 1100 रुपये का तोहफा हमारे लिए। पिछले 3 रातों से 3300 रुपये हमारे खाते में आ गए हैं राजेंद्र जी खेरिया भाई साहब की तरफ से। बहुत बहुत आभार उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लीजिए एक और बड़ी घोषणा राजेंद्र जी भाई साहब की तरफ से, हमारी लाडली बिटिया माही के लिए 501 रुपये का एक खूबसूरत तोहफा आशीर्वाद स्वरूप भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको, हमारी नन्नी बिटिया माही के लिए 501 रुपये का एक आशीर्वाद स्वरूप तोहफा राजेंद्र जी खेरिया भाई साहब की तरफ से। धन्यवाद। रनआउट का मौका मगर खराब थ्रो का नुकसान। और एक बार फिर से गेंद हवा में है, फील्डर नीचे है। ओ हो, आसान से कैच को मुश्किल बनाया और टपकाया, हाथ में आ गया था मगर जंप करने के चक्कर में ये कैच छूटा। और इसी बीच राजेंद्र जी खेरिया भाई साहब ने अपने तोहफे को बढ़ाया है। 501 की जगह 1100 रुपए का नकद पुरस्कार हमारी लाडली बिटिया माही के लिए उपहार स्वरूप आशीर्वाद स्वरूप भेंट कर रहे हैं मिस्टर राजेंद्र जी खेरिया। आप सबसे निवेदन है राजेंद्र जी भाई साहब के लिए, आप बधाई संदेश धन्यवाद संदेश जरूर दें। 1100 रुपए का तोहफा हमारी लाडली बिटिया माही के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं राजेंद्र जी भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका। कल है सुजानगढ़ का मैच। और अब दोस्तों एक बार स्कोर अपडेट कर देते हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर टोंग का स्कोर 59 रन, 30 गेंदें शेष बची है। रोहित सैनी खेल रहे हैं 22 रन बनाकर। और ये पहला मुकाबला है 7:30 बजे में रहेगा। इस मैच की विजेता भीमराज से दूसरा मुकाबला और दूसरे
और वॉलीबॉल स्टार नवाज शरीफ भाई साहब राम शाहबाज के सरपंच, हार्दिक स्वागत है। राम शाहबाज सरपंच श्रीमान नवाज शरीफ साहब का वॉलीबॉल के स्टार प्लेयर। पहले मुकाबले में जो टीम जीती है हो सकता है टीम में ही वो खेल जाए, पर वो समय की बात है। हम केवल और दोस्तों अब मैं जिनका स्वागत करने जा रहा हूं वो है हमारी एक मजबूत टीम। जी हां दोस्तों, वो टीम जिसने राजस्थान टेनिस क्रिकेट को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य किया है, वो हमारी राजस्थान टेनिस क्रिकेट टीम के सभी मॉडरेटर और एडमिन साहब, मैं सबके नाम बोलने जा रहा हूं। आप सबसे निवेदन है कि इस टीम का आप शुक्रिया अदा जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, मैं शुरुआत कर रहा हूँ आकाश भाई भाटी जेतारण से, हमारे मॉडरेटर भक्ति सिंह जी बना लाड़नू से, वो भी हमारे मॉडरेटर दिनेश जी यादव जयपुर से, हबीब खान साहब लाड़नू से, इंसाफ भाई गोटन गोटन से, प्रशांत भाई विश्वनिया अजमेर से, रमेश जी बाम्बू बोरावड़ से, तारीफ भाई रूण से, तरुण भाई पंवार बाड़मेर से, और यूनिक इमरान साहब हमारे ग्रुप के मुखिया एडमिन साहब। आप सभी एडमिन बंधुओं का, मॉडरेटर बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और सबसे नीचे मेरा नाम भी है तो मेरा स्वागत आप सब करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से एक जीवनदान, और ये चौका भी आएगा। बहुत शानदार गेंदबाजी, और एक रन लिए, दोनों गेंदबाजों ने 22 रन का फासला तय किया। 66 रन 66 और सामने आ गए रोहित सैनी, कार्तिक की मौत का सामना कर रही है। 66 रन धन्यवाद मिस्टर किरण पांचाल आपका भी। और ये लीजिए एक हवाई फायर, देखिए ये गेंद तो बाहर से लौटानी पड़ेगी भाई, पास में जो मंदिर है वहां पे पहुंचा दिया है सबसे लंबा छक्का, लाजवाब बल्लेबाजी। ये और काफी फायदेमंद रहा, 72 हो चुका स्कोर, 8वां ओवर चल रहा है। कल का जो तीसरा मुकाबला है टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, कल का जो तीसरा मुकाबला है वो टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। कल तीन मैच और परसों से दो मैच होंगे भाई,
अच्छी गेंद की हरकतों से और गेंद को अंडरहैंड में होल्ड किया, एक रन होल्ड कर पूरा किया। इस एक रन की मदद से अब 73 रन स्कोर हुआ 73। पाली का 9 ओवर चलता हुआ 9 की ओर से सबसे बड़ा जाता है, क्या ये करता हो तो पड़ेगा फिलहाल ओवर समाप्त। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, 9 ओवर का खेल पूरा हुआ। 9 ओवर की समाप्ति पर समाप्ति के बाद 8 ओवर हुए हैं। अरे 8 ओवर की समाप्ति के बाद 73 स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर अमित खेल रहे हैं 10 रन पर 6 गेंदों में, रोहित सैनी खेल रहे हैं 29 रनों पर 21 गेंदों में, 3 छक्के और 1 चौका लगाया है रोहित सैनी ने। अब तक का स्कोर कार्ड, मनीष 0 पे आउट हुए, मोहम्मद अदनान 20 रन पर, रोहित सैनी खेल रहे हैं, विजेंदर 0 पर, अरशद 10 रन पर आउट हुए और 10 पर खेल रहे हैं अमित। क्योंकि आप नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर तो उसका कुछ तो मजा आना चाहिए। अशोक आए हैं गेंदबाज, पारी का 9 ओवर लगाएंगे अशोक, और ये लीजिए गेंद को हवा में उछाला है, नीचे फील्डर है मगर कुछ नहीं कर पाएंगे, शानदार छक्का सीधा होर्डिंग पे जाके लगा, जनाब राज खान का जो होर्डिंग लगा हुआ उस पे ये शानदार छक्का लगा। अभी तक सबसे सफल बल्लेबाज रोहित सैनी, आज रोहित सैनी और कल झुंझुनू में आएंगे रोहित सैनी और राहुल सैनी, झुंझुनू में आएंगे और हमको रोहित जी आपका माता है प्रेम से। एक बार फिर अशोक लेफ्ट आर्म के बाद ये गेंद और इस गेंद को निकाला है और ये लीजिए मिस फील्डिंग का चौका मिला। और ये लीजिए एक और हवाई फायर हुआ है, ये लीजिए एक और शानदार जानदार दमदार छक्का, हेलीकॉप्टर उड़ाया है यहाँ पर रोहित सैनी ने, शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली अभी तक रोहित सैनी के बल्ले से, और अर्धशतक से मात्र 5 रन दूर। दिशाहीन गेंद, बहुत बहुत धन्यवाद हबीब खान लाडू साहब, इस वक्त आप हमसे जुड़े हुए हैं उसके लिए आभार। इस बार
ये 9वां ओवर चल रहा है, उसके बाद 3 ओवर और बचेंगे और ये अर्धशतक कंप्लीट और अर्धशतक के बाद ये चौके के रूप में चौका भी काउंट कर लीजिए, ओवर थ्रो के रूप में चौका आया है। शतक पूरा जिनमें से 54 रन है मिस्टर रोहित सैनी के, कमाल की बल्लेबाजी, आज मैच जीता हूँ मैराथन पारी, दिल जीत लिया आज इस बल्लेबाज ने, 5 छक्के लगाए हैं। अमित होंगे स्ट्राइक पर, जी नहीं स्ट्राइक चेंज नहीं होगी, स्ट्राइक चेंज हुई है, बल्लेबाज के इरादे चेंज नहीं हुए हैं। एक और शानदार छक्का इस बार अमित के बल्ले से। और बिट्टू भाई, जी हाँ भाइयों, तैतीस रन आए इस ओवर से, 34 जो रन का ओवर रिकॉर्ड है, और वो 34 रन लेने वाली लकी सिंह जो है वो हमारा के नाम से खेलो से सिंह के मारी ले दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 106 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, अब 18 गेंदे शेष बची है, देखते हैं बची हुई 18 गेंदों में और कितने रन जोड़ती है टोंक की ये टोंक पैंथर्स टीम। 18 गेंदे शेष बची है भाई साहब, अठारह गेंदे बची हैं, अब देखते हैं 18 गेंदों में कितने रन और जोड़ पाती है टीम टोंक पैंथर्स। 35, 40, 30, 150 टोटल ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, और अगर ये दोनों बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते रहें तो 150 प्लस बनाए जा सकते हैं।
सबके अलग 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 कमेंट्स आ रहे हैं, सभी 140 प्लस ले जा रहे हैं टीम टोंक को। अब देखते हैं किसका प्रेडिक्शन एकदम परफेक्ट बैठता है, किसकी भविष्यवाणी सही साबित होती है। मगर अभी तक तो सभी हमारे लाइव दर्शक 140 के ऊपर ले जा रहे हैं ये स्कोर। और ये लीजिए एक और शानदार चौका, बिल्कुल 140 रन बनेंगे यहाँ से अगर इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे तो। कोटा की टीम काफी मायूस, और ये लीजिए एक और हवाई फायर हुआ है, एक और शानदार जानदार छक्का। वाह भाई वाह, रोहित ने तो आज वाकई बहुत ही एंटरटेनमेंट किया अपने दर्शकों का। चौसठ रन हो चुके हैं बल्लेबाज रोहित के मात्र 29 गेंदों में। दोस्तों आज मौका है, दस्तूर है, जी हाँ, रोहित सैनी अगर इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे तो शतक बना सकते हैं। क्या लगता है आपको, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ये देखें ऐसे हवाई हमले देखें और शतक के पक्ष में वोटिंग करें। जी हाँ दोस्तों, मुझे तो लग रहा है वो आज कारनामा हो सकता है। हमारे मोहम्मद इमरान भाई बता रहे हैं शतक लगाएगा आज रोहित। वाह भाई वाह, कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। ये लीजिए एक और तूफानी, क्या बताएं यार, तूफान भी कम बढ़ रहा है, इतना शानदार छक्का। पता नहीं ये गेंद तो मुझे लगता है ट्रेन में बैठ के चली गई है, वाकई शानदार छक्का। ये गेंद वापस आना मुश्किल, ट्रेन में बिठा दिया इस गेंद को तो। वाह भाई वाह, बाहुबली कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है रोहित सैनी, बाहुबली। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, मगर हेलीकॉप्टर सही तरीके से उड़ नहीं पाया, यहीं पर भी रुक गया। अच्छी बात यह कि स्ट्राइक रोहित के पास रहेगी। एक सौ 129 रन हो चुके हैं टीम टोंक पैंथर्स के 4 विकेट के नुकसान पर, 12 गेंदे शेष है। 12 गेंदों में यदि 23 रन और बना लेते हैं तो इस टूर्नामेंट के पहले शतकवीर हो जाएंगे बल्लेबाज रोहित सैनी, टोंक के ये सलामी बल्लेबाज। गेंदबाज कार्तिक आए हैं, स्ट्राइक रोहित के पास है। ये लीजिए इसी बीच एक नो बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा और मिस फील्डिंग, वापस स्ट्राइक रोहित के पास।
जी हाँ, ये लीजिए एक और तोहफा। क्या अब फ्री हिट पे सुपर हिट आ सकता है? कार्तिक तो तीन लगभग 90% कमेंट आए हैं कि शतक बनेगा यहाँ से। अब 21 रन दूर है अपने पहले शतक से, इस टूर्नामेंट का पहला शतक। देखते हैं क्या रोहित आज शतकवीर बनते हैं। बड़ा ही शानदार मैच अभी तक। पहला विकेट जीरो पे गिरा था, उस समय सबको लगा कि 90 के अंदर अंदर सिमट जाएगी टीम डोंक, मगर इस सलामी बल्लेबाज ने तो तूफान ला दिया आज। उल्टोस गेंद, फ्री हिट है, दूसरा रन लेने का प्रयास नहीं करेंगे। कार्तिक डॉट निकालना, शाबाश। 80 रन हो चुका है रोहित का स्कोर 11 गेंदे से इस पहली पारी की। 20 रन दूर रहे हैं रोहित अभी भी। कार्तिक ये लीजिए, कार्तिक कौन से पीछे रहने वाले हैं, शानदार चौका। अमित माफ कीजिएगा, अमित के बल्ले से कार्तिक की गेंद पर चार रन मिले अमित को। ये लीजिए एक और तूफानी छक्का इस बार अमित के बल्ले से। अमित भी पीछे रहने वाले नहीं है। ये बल्लेबाजी देखकर एक बात तो समझ में आ रही है, टोंक के ये सलामी बल्लेबाज अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। रोहित को 1% भी परवाह नहीं है अपने शतक की। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है, यही होना चाहिए। एक महान प्लेयर की यही पहचान है, कभी भी अपने लिए नहीं खेले, अपनी टीम के लिए खेले, यही जीत का मुख्य सूत्र है, मंत्र है, अपनी टीम के लिए खेलो। ये लीजिए एक बार फिर से हवाई हमला, इस बार फील्डर नीचे है और आउट। अब आखिरकार 88 रनों की ये पार्टनरशिप खत्म हुई। अमित आउट होकर बाहर जा रहे हैं और अब स्ट्राइक पे होंगे बाहुबली रोहित। कोई नहीं जिगर आए हैं, कैचर लिया, कैच लिया था जिगर ने। ये लीजिए एक और हवाई फायर, अब शतक से मात्र 14 कदम दूर मिस्टर रोहित। वाह भाई रोहित, रोहित सैनी ने तो आज जगजोर के रख दिया है टीम कोटा को। 86 हो चुका है टीम का स्कोर। और ये लीजिए रिवर्स में चौका, और अब 90 रन हो चुका रोहित का स्कोर। एक ओवर चांस है, रोहित को चाहिए 2 बड़ी बाउंड्री। इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर किसी बल्लेबाज के द्वारा। भारत का
तो टूर्नामेंट भी आयोजित करा रहे हैं और इधर आके जैसे लाइव में नहीं लाइव में दे दिया पूरे दिन का टूर्नामेंट है मेरे पास आया हुआ है। दोस्तों क्या आज के शतकवीर बनेंगे मिस्टर रोहित? 25,000 रुपए का पहला पुरस्कार है। बिट्टू आए हैं अंतिम ओवर लेके, स्ट्राइक पे है मॉर्गन, कोशिश रहेगी इनकी रोहित को स्ट्राइक पे लाने की। जी हाँ बिल्कुल, इसी काम के लिए थे, के लिए इन्हें भेजा था। अब दो बड़े हिट बना सकते हैं शतकवीर इस टूर्नामेंट का पहला शतक। अच्छी गेंदबाजी बिट्टू के द्वारा, समझदारी दिखाई, पता है रोहित अटैक करेंगे, स्लोर गेंद डाली, अपने आप को बचाया, मगर इस बार नहीं बचा पाएंगे। ये लीजिए 96 रन हो चुके हैं। अब चार गेंदों में चार रन, चार गेंद अभी भी बची है, एक बाउंड्री और शतकवीर बना देगी इस टूर्नामेंट का पहला शतक। तीन गेंदे शेष है, अब रोहित यहां से शतकवीर बन सकते हैं, एक बाउंड्री रोहित को बना देगी शतकवीर। ओहो इस बार गेंद बल्ले पे पूरी तरह आई नहीं है, एक ही रन लेंगे। अब वापस शतक थोड़े दूर जाते हुए सुरक्षित क्रीज में रोहित, अब मौका है, 97 है स्कोर। अंतिम गेंद पे यदि बाउंड्री लगाते हैं तो शतक संभव है, वरना तीन रन भाग के ले तो भी शतक बन सकता है। ₹1,000 नकद यदि अंतिम गेंद पे बाउंड्री आती है तो। वाकई पहली पारी भी इतनी शानदार हो गई, उम्मीद नहीं थी। और ये लीजिए, ये बन गया शतकवीर। वाह भाई वाह, रोहित शर्मा, रोहित मैन, रोहित शर्मा के अंदाज में मिस्टर रोहित मैन, पहला शतकवीर इस टूर्नामेंट का। ये है शतकवीर रोहित।